दोस्तों, ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा का सबसे तगड़ा क्लोन और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ऐसी वॉच लेकर आओ जिसमें ऑन ऑफ होने पर एप्पल का लोगो भी आए। तो आज इस वॉच की अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बन रही है तो भाई लाइक तो अभी के भी कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स मिल जाता है जैसा कि आपको ओरिजिनल वॉच में मिलता है और यहाँ पर लिखा हुआ है वॉच। बाकी इस साइड की बात करें तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी मिल जाता है। बाकी इसके बॉक्स पे जो सीरियल नंबर है वही आपको वॉच में मिल जाता है और अगर आप उसको एप्पल की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो वहाँ पर वारंटी भी शो होती है। अब ये चीज़ काफ़ी अजीब है बट ये सच है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटेनियम केस। अब इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से इसको ओपन करना है और भाई इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एक्चुअल बॉक्स मिल जाता है जिस पर डेल की डिज़ाइन मिल जाती है और बाकी पूरा बॉक्स प्लेन है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रैप मिल जाता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। उसके बाद यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग डॉक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉच रखी हुई मिल जाती है और यही सारी चीज़ें आपको बॉक्स में दी गई हैं। अब आते हैं वॉच की तरफ तो देख सकते हैं भाई क्या तगड़ी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अब इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में आपको काफ़ी बड़ी सी क्राउन बटन मिल जाती है जो कि वर्क करने वाली है। उसके नीचे माइक्रोफोन दिया गया है और उसके नीचे आपको एक और बटन मिल जाती है। बाकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर सेंसर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि ये रियल है या फिर फेक है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉर्नर पे स्क्रू भी मिल जाता है जैसा कि ओरिजिनल वॉच में मिलता है और यहाँ पर जो स्ट्रैप का लॉक है वो भी रियल है। उसके बाद इस साइड की बात करें तो यहाँ पर एक्शन बटन मिल जाती है और यहाँ पर स्पीकर वेंट दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। अब इसको ऑन करते हैं और फोन से पेयर करते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले बटन को प्रेस करके होल्ड करना है और देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल का लोगो भी आ जाता है। बाकी यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाता है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब इसको पेयर करते हैं और पेयर करना काफ़ी इजी है। आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद जाना है ऐड डिवाइस पे और देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्रा 8 लिखा हुआ आ गया है। इस पर टैप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। बाकी अगर आपको कॉलिंग फीचर को यूज़ करना है तो आपको जाना पड़ेगा ब्लूटूथ सेटिंग में और वहाँ से भी वॉच को पेयर करना पड़ेगा, तभी आप कॉलिंग फीचर को यूज़ कर पाएंगे। तो ये रही वॉच और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो भाई डिज़ाइन बिल्कुल ज़बरदस्त है और आपको सेम टू सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसे डिज़ाइन मिल जाती है और कोई भी दूर से देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि ओरिजिनल है या फिर फेक वॉच है। इतनी चीज़ यहाँ पर क्लोन की गई है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर ग्लास फिनिश के साथ प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 स्क्रू भी मिल जाते हैं जैसा कि ओरिजिनल वॉच में मिलते हैं और यहाँ पर जो स्ट्रैप के लिए लॉक दिया गया है वो भी रियल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो डिज़ाइन काफ़ी तगड़ी है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है इस वॉच की। रही बात स्ट्रैप की तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको अल्पाइन लूप स्ट्रैप मिल जाता है और यहाँ पर जो लॉक दिया गया है ये भी आपको मेटल का मिलता है। तो स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाती है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रैप को लगाया हुआ है और ये अच्छे से फिट हो जाता है और हिलता नहीं है। और इसका वेट है 62 ग्राम्स, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर पहनते हैं तो आप यूज टू हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो रोटेटिंग क्राउन है वो काफ़ी स्मूथली वर्क करता है और ज़रा भी आवाज़ नहीं आती है, जैसा कि दूसरी वॉचेस में क्या होता है कि आपको टिक टिक की आवाज़ आती है, वो इसमें नहीं आती है और काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसमें। अब आते हैं डिस्प्ले पे तो यहाँ पर इस वॉच के डिस्प्ले काफ़ी शानदार है और काफ़ी बड़ी आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। इसका साइज़ है 2 इंच का और इसमें आपको 420x485 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है। तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा शार्प है और कलर्स काफ़ी पंच जाते हैं। बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले है, तो आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है और इसमें आपको 2 तरह के वॉचेस मिल जाते हैं, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल। रही बात बेजल की तो इसमें काफी मिनिमल से बेजल देखने को मिल जाते हैं और चारों ओर आपको सिमेट्रिकल बेजल मिलते हैं इसमें। और इसमें रेस्ट टू वेक फंक्शन भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है, तो जैसे हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी और ये काफी रिस्पॉन्सिव है। बाकी वॉच फेस की बात करें तो यहाँ पर 7 वॉच फेस आपको वॉच में मिल जाते हैं और इसकी एप्लीकेशन में आपको काफी सारे वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कस्टम वॉच फेस का फीचर नहीं दिया गया है तो आप अपना फोटो नहीं लगा पाएंगे इसमें। उसके अलावा यहाँ पर आपको डायनेमिक वॉच फेस भी मिल जाते हैं जहाँ से आप शॉर्टकट फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ से अलार्म को सेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर टैप करके आप डेटा वगैरह देख सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके साथ ही क्राउन को रोटेट करके वॉच फेस को नाइट मोड में शिफ्ट कर सकते हैं जैसे कि ओरिजिनल वॉच में होता है। तो यहाँ पर सभी वॉच फेस में तो ये वर्क नहीं करता है, बट यहाँ पर 2 वॉच फेस में ये वर्क करता है, तो इस तरह से आप नाइट मोड में शिफ्ट कर सकते हैं इसको। उसके साथ इसमें 5 तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है। पहली है लिस्ट व्यू, दूसरी आपको इस तरह की हनीकॉम स्टाइल मिल जाती है जिसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाटरफॉल स्टाइल मिल जाती है और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की ब्लॉक स्टाइल मिल जाती है। बाकी लास्ट में आपको इस तरह की 9 ग्रिड मेन्यू मिल जाती है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर स्पोर्ट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको टोटल 14 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट, एक्टिविटी रिकॉर्ड, उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और यहाँ पर आपको डायल मिल जाता है जहाँ पर आपको डायल पैड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कॉल लॉक हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है।
उसके बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और यहाँ पर वेदर मिल जाता है, उसके बाद स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म, उसके बाद फाइंड माई फोन और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती है। सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक स्विच को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद बेड सेट लैंप हो गया, उसके बाद ऑलवेज को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिस्ट अवेक को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रीन टाइम की बात करें तो यहाँ पर 30 सेकंड्स का टाइम मिल जाता है जो कि सही है। उसके बाद साउंड सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पर आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, लैंग्वेज, वाइब्रेशन और अबाउट, उसके बाद रीसेट हो गया, इस सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर इसके पेडोमीटर की एक्यूरेसी काफी अच्छी है और मैंने इसको चेक किया तो इसका जो स्टेप काउंटर है वो अच्छे से वर्क करता है। सबसे पहले मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 108 काउंट किए, उसके बाद मैंने उसी को कंटिन्यू किया और 150 स्टेप्स लिए और इसने 155 काउंट किए, तो इसके स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर सेंसर तो दिया गया है बट इसके हार्ट रेट की एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं रीडिंग काफी ऊपर नीचे आ रही है, तो हार्ट रेट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं मिलता है। बाकी जितने भी हेल्थ वाले फीचर्स हैं वो सभी फेक मिलते हैं इसमें। अब ये कॉलिंग वॉच है तो इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है और दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है, स्पीकर काफी लाउड है तो आप आराम से इससे बात कर सकते हैं। बाकी जब कॉल आता है तो आप कॉल को कट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कॉलर का नेम नहीं शो करता है, नंबर शो करता है। और यहाँ पर मैं इसके स्पीकर की क्वालिटी आप लोगों को सुना देता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है, प्रीपेड सेवाओं के लिए तो स्पीकर आपको काफी अच्छा मिल जाता है इसमें। बाकी मैसेज के नोटिफिकेशन की बात करें तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और आपको 4-5 लाइन्स के मैसेज मिल जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी रही बात कनेक्टिविटी की तो इसकी कनेक्टिविटी काफी सही है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर माई टू फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि चाइनीज एप्लीकेशन है और आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप एक्टिविटी रिकॉर्ड देख सकते हैं जो कि फेक है, और दूसरे पेज पर जाएंगे एक्सरसाइज में तो यहाँ से वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ से वॉच को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉच फेस चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स को वॉच में ऐड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद अलार्म हो गया, फाइंड डिवाइस, वेदर, कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जाएंगे लोगो में तो यहाँ पर आप लोगो भी सेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि वॉच ऑन होने पर आपका फोटो आए तो वो भी इसमें पॉसिबल है, तो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो आईफोन के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है और बैक जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है इसमें। अब आते हैं इस वॉच की यूआई की तरफ, तो यहाँ पर आपको यूआई अच्छा मिलता है बट कहीं कहीं पर लैग भी करता है और कहीं कहीं पर ज़्यादा ही स्मूथ आपको मिल जाता है यूआई। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन पैनल अटकता है। बाकी लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया गया है जहाँ से आप रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड वगैरह भी मिल जाता है। और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेटा हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, बाकी क्राउन को रोटेट करके भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। और क्राउन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप मेन्यू में चले जाएंगे, बाकी नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह का यूआई दिया गया है जो कि ठीक ठाक है। ब्लास्ट में इस वॉच की बैटरी बैकअप है तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और आपको बस एक दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी चार्ज होने में इसको 1 घंटे लगते हैं। अब आते हैं वर्डिक पी की कैस को लेना चाहिए या नहीं, तो इसका जो प्राइस है वो है 3200 प्लस शिपिंग चार्ज और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़ी वॉच है। बाकी आप लोगों को पता है कि इन सब वॉचेस की अलग ऑडियंस होती है, जिन लोगों को फिटनेस से कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इस वॉच में जितने भी फिटनेस वाले फीचर्स मिलते हैं ज़्यादातर फेक मिलते हैं। बाकी जिन लोगों को शो ऑफ करना है या फिर फैशन के लिए एक अच्छी वॉच लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो डिज़ाइन मिलती है वो एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी मिल जाती है, वो भी काफ़ी कम बजट में। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, डिस्प्ले काफ़ी शानदार है और स्टेप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है और स्पीकर भी काफ़ी लाउड है। बाकी कमी की बात करें तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और इसका जो यूआई है वो थोड़ा सा अजीब सा मिलता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही वॉच है और अगर आप लोगों को लेना है तो इंस्टाग्राम के सेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, और ट्रस्टेड सेलर है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाती है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को वॉच कैसी लगी है और अगर आप लोगों को एप्पल वॉच अल्ट्रा के क्लोन्स का कंपैरिजन वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।